गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त टीना आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ, यानी कि आप देख रहे हैं जो सामने स्क्रीन पे, ये कुछ मैं सेटिंग करने जा रही हूँ फ्रेंड्स गार्डन की। आप जानते हैं फ्रेंड्स, जब भी मौसम चेंज होता है, यानी कि जैसे ही मौसम बदलता है, तो हमें पौधों की सेटिंग बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। जहाँ धूप चाहिए वहाँ धूप में रखें, और जहाँ पे छाएँ चाहिए वहाँ पे छाँव में रखें फ्रेंड्स। तो आए दिन ये गार्डन में काम चलता ही रहता है फ्रेंड्स। तो आज वही शेयरिंग छोटी सी करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा कुछ गार्डन इस तरह से बिखरा हुआ है। अभी मैंने थोड़ा सा कुछ सेटिंग करना बाकी है फ्रेंड्स। अभी मैंने कुछ इस तरह से प्लांट लगाए हैं, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके फ्रेंड्स जो है अपने गार्डन की सेटिंग बना लूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जगह मैंने खाली की है। खाली का मतलब फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो है धूप जाने लगी है, तो कुछ मेरे जो प्लांट्स हैं उनको धूप भी चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप प्लांट्स को बिल्कुल धूप नहीं लगवाएंगे तो प्लांट्स जो हैं जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पर मैं कुछ और डेकोरेट करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं सिर्फ आपसे यही शेयर करना था कि मैं जब इसका पूरा सेटिंग बना लूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। और कुछ प्लांट्स जो हैं, देखिए कुछ इस साइड को निकले हुए हैं मेरे, तो मैंने कुछ इनको भी सेटिंग से बनाना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ मॉस रोज देखिए कितने खूबसूरत से खेल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कुछ, और ये हमारी एलन भी घूम रही है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मॉस रोज और पर्सलिन जो हैं बहुत ही खूबसूरत से खिले हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, हिबिस्कस भी जो है, हर एक जो पौधे पर, हर एक ब्रांच पर जो है फूल बहुत अच्छे से आ रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अभी मैं कुछ सेटिंग करने वाली हूँ, यानी कि सेटिंग के करने के बाद आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स जो मैं आज थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी चलिए कर लेते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर कितने सारे बैंगन जो हैं मेरे तैयार हो चुके हैं। अगर इनको मैंने टाइम पर नहीं उतारा फ्रेंड्स, तो ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छी बढ़त है बैंगन की, और देखिए फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से आ रही है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इनको हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, और एक इस साइड पर भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस यहाँ से एक दो बैंगन मेरे को निकले हैं, और यहाँ पर कुछ छोटे भी लगे हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी है। और इनको भी फ्रेंड्स उतार लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे गार्डन से जो है यहाँ देखिए बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल थोड़ा सा निकला है फ्रेंड्स। थोड़ा ही सही, लेकिन बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स अगर अपने गार्डन से थोड़ा सा भी वेजिटेबल निकले। तो फ्रेंड्स चलिए मिर्ची भी थोड़ी सी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिर्चें भी लगी हैं जो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर, मैं काफ़ी निकालती रहती हूँ इनमें से, काफ़ी मिर्चें जो है मैं निकाल कर ले जाती हूँ। लेकिन इस बार जो ये फ्रेंड्स, मुझे तसल्ली सी नहीं हुई है इस बार ये वाले प्लांट से, इतनी खास जो है मिर्चें इस पर तैयार नहीं हो रही हैं। हालाँकि ये जो प्लांट है देख सकते हैं कितना हेल्दी है, और कोई कमी नहीं है, और ये कर्ली सा इस पर मिर्चें आ रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी मेरा दिल कर रहा है फ्रेंड्स मैं इनको निकाल दूँ, क्योंकि अभी इतनी ख़ास तो मिर्चें नहीं लग पा रही हैं। तो जगह ब्लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। अगर जगह ब्लॉक होती है तो, जैसे कि अगर इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो हम फिर कोई और चीज़ इसमें ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि विंटर आने वाला है, तो विंटर के हिसाब से हम कोई और प्लांट इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी सी मिर्चें इसमें से निकली हैं। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग, और मैं अपने गार्डन की सेटिंग कर कर आपको ज़रूर दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।